जय शिव शंकर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, वैसे तो हर माह में शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन माह और फाल्गुन माह की शिवरात्रि का सर्वाधिक महत्व होता है। इन्हें महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इस बार सावन शिवरात्रि 15 जुलाई को है। इस दिन भगवान शिव माँ पार्वती का एक साथ पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन भोलेनाथ की शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि पर ही भगवान शिव शिवलिंग के रूप में पहली बार प्रकट हुए थे। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप इस शिवरात्रि पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन के सभी संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। शिवलिंग पर इस गुप्त चीज को सावन शिवरात्रि पर चढ़ाने मात्र से ही भाग्य हमेशा आपका साथ देने लगेगा। जिस कार्य को आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलने लग जाएगी। सावन शिवरात्रि पर इस एक चीज को भोलेनाथ को अर्पित करने से आपके जीवन का कोई भी कष्ट होगा वह तुरंत ही खत्म हो जाएगा। आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी होगी। आइए दोस्तों, जानते हैं शिवरात्रि पर कौन सी चीज शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके जीवन में चल रही नौकरी, व्यापार, धन, कर्ज, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपकी नौकरी या फिर व्यापार में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, या फिर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तरक्की नहीं हो पा रही है, तो शिवरात्रि के दिन व्रत करने के साथ शिवलिंग पर जल में शहद मिलाकर अभिषेक करें। इसके साथ ही शिवलिंग पर अनार का फूल अर्पित करें। भगवान शिव की कृपा से आपकी नौकरी और व्यापार की समस्याएं जल्द ही दूर होने लगेंगी। दोस्तों, आपकी कोई ऐसी मुराद है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव की प्रिय वस्तु भगवान शिव को अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं जैसे भांग, धतूरा, बिलपत्र, आग का पुष्प और चंदन भगवान शिव जी को अर्पित करें। फिर आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचामृत यानी कि दूध, शुद्ध घी, दही, गंगा जल और शहद। यदि हो सके तो चांदी के लोटे से ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके अलावा इस दिन आप इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य ही करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः। जाप करने के पश्चात आप भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस तरह भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको जीवन में एक के बाद एक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो महाशिवरात्रि पर जरूरतमंदों की मदद करें, पशुओं की सेवा करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। यदि आपको ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो महाशिवरात्रि के दिन नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। उच्चारण करते समय आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, यानी कि
भगवान शिव जी की शिवलिंग का दुग्धाभिषेक करें। इससे आपके ग्रह अनुकूल होते हैं और शुभ फल की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, शिवलिंग का अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने से अलग अलग पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करना बेहद शुभ माना गया है। ऐसा करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है और अगर व्यक्ति को कोई रोग होता है तो वह भी दूर हो जाता है। वहीं शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दही से अभिषेक करने से जीवन में परिपक्वता और स्थिरता आती है, साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। मान्यता है कि हर रोज शिवलिंग पर दही से अभिषेक करने से आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। वहीं अगर शिवलिंग पर इस शुभ दिन इत्र से अभिषेक करें अर्थात छिड़काव करें तो मन शुद्ध होता है और जीवन को राह मिलती है, साथ ही मानसिक तनाव भी दूर होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करना बेहद पुण्यकारी माना गया है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से व्यक्ति का मन अध्यात्म की तरफ झुकता है और वाणी में मधुरता आती है, साथ ही दिल में दया और परोपकार की भावना जागृत होती है और समाज में यश व सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करें। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और पराक्रम व साहस में वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा करने से पहले ध्यान रखें कि किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखाकर उनकी राय अवश्य लें और तभी अभिषेक करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सभी तीर्थों से लाए हुए जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। वहीं इस पवित्र दिन गंगा जल से अभिषेक करने से सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही धन वैभव की कमी दूर होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत यानी कि दूध, शुद्ध घी, दही, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वहीं आरोग्य की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर शुद्ध घी से अभिषेक करें। ऐसा करने से न सिर्फ शारीरिक समस्याएं दूर होंगी बल्कि कई बीमारियों से भी राहत मिलती है। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शुद्ध जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करने से तेज ज्वर आ रहा हो तो वह भी दूर हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अपनी मनोकामना के अनुसार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, जिससे भोलेनाथ की कृपा से आपको कष्टों से छुटकारा मिले और भोलेनाथ की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, भगवान शिव का पूजन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। दूध से अभिषेक करने के लिए आपको कच्चा दूध लेना है। गर्म और उबले हुए दूध से भोलेनाथ का अभिषेक ना करें। भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए सदैव शुद्ध घी का इस्तेमाल करें। भोलेनाथ का अभिषेक करते समय महिलाएं और कन्याएं भोलेनाथ की शिवलिंग का स्पर्श ना करें। भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़े हुए फल, मिष्ठान या किसी भी वस्तु का सेवन ना करें। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, रोली, टूटे हुए चावल, तुलसी पत्र, केतकी का पुष्प ना चढ़ाएं और ना ही शंख से भोलेनाथ का अभिषेक करें। दूध, दही या पंचामृत से अभिषेक करते समय तांबे के पात्र का इस्तेमाल ना करें। भोलेनाथ का पूजन करते समय
काले रंग के वस्त्र ना पहने, शिवरात्रि के व्रत में अन्न का सेवन ना करें, सिर्फ फलहार करें और सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो इस दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पीरियड के दौरान महिलाएं मन ही मन पूजन करें, भगवान जी का स्पर्श ना करें और ना ही मंदिर जाएं। सदैव भोलेनाथ की आधी परिक्रमा करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।